स्वागत है आप सभी का सत्यता आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विक्के सौरभ आज आप लोगों के सामने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की और जानकारियां लेकर के आया हूं। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है, तो उसी को आज हम लोग और डीपली आज समझेंगे। तो आज फिर से हम लोग सेल्फ अवेयरनेस को समझते हैं कि स्व जागरूकता वह दर्पण है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, विचार, अपनी क्षमताओं और अपनी कमजोरियों तथा प्रेरणा, अपने मूल्यों, अपनी सीमाओं और भावनाओं तथा कौशलों को समझता है और इन सभी बिंदुओं को अपने भीतर उजागर करता है। तो जब कोई व्यक्ति इन बिंदुओं को अपने भीतर उजागर करके इन सारे पॉइंट्स को समझ लेता है तो वह अपने व्यवहार में इन सभी को ले आता है और कार्यस्थल पर वह अपनी छाप बनाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को डील कर रहे थे और उन क्वेश्चंस को और आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज माय बिगेस्ट फेलियर। पिछले क्लास में हमने जिस भी क्वेश्चंस को चर्चा किया था उन क्वेश्चंस को स्वयं से पूछने पर आत्मन्वेषण होता है, परंतु उनमें और भी बहुत ऐसे बिंदु हैं जिनको हमें अपने भीतर समझना चाहिए। जैसे कि व्हाट इज माय बिगेस्ट फेलियर, तो हमारी सबसे बड़ी फेलियर क्या है और उसको हम किस तरह से उसको प्राप्त कर पाए थे और जब हमारा वो फेलियर हुआ तो उनमें हमारी कौन कौन सी गलती थी, हम उसको ध्यान से देख करके समझ के उनमें सुधार करके अपने फेलियर को रिमार्क करके आगे उस फेलियर से बच सकते हैं, उस गलती से बच सकते हैं। इसलिए अपनी गलतियों को हमेशा आत्मान्वेषित करते रहें और उन गलतियों को पहचान करके दूसरे दोबारा ना करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है, व्हाट डू आई लाइक डिसलाइक अबाउट माई जॉब। आपको अपने कार्य क्षेत्र में या आपको अपने कार्य में वैसी कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत पसंद है या वैसी कौन सी चीजें हैं जो पसंद नहीं है, उनका एक एनालिसिस करके आप जो पसंद वाली चीजें हैं उनमें और बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं और जो चीज़ें या जो कार्य आपको पसंद नहीं है उनमें रुचि लेकर के उसे करने की कोशिश कर सकते हैं या उनमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो ऐसा एनालिसिस करना आपको अपने जॉब में बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के आप अपने जॉब के प्रति जागरूक हो पाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज माय हैप्पीएस्ट मेमोरी। आपके जीवन में वो कौन से खुशी के पल थे जिन्हें कि आप याद करके हमेशा खुश होते हैं, तो इसलिए उन मेमोरीज को हमेशा याद करते रहें ताकि आपके तनाव में कमी आ सके और आप अपने आप को तरोताजा महसूस कर सके और उन मेमोरीज को याद करके दोबारा उसे दोहराने की हम प्रयास करते हैं जिससे कि हम अपने एबिलिटीज को पहचान पाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज माय फेवरेट बुक, मूवी, कलर, ड्रेस एटसेट्रा। तो अपने फेवरेट बुक, मूवीज, कलर, ड्रेस, इन चीजों की एक लिस्ट बनाएं, इनकी सूची हमेशा बनाएं और हमेशा उन चीज़ों के साथ रहने या उनको हमेशा अपने लाइफ में जुड़े रहने के लिए हमेशा प्रयास करते रहें। इससे आप खुश रहते हैं और अपने काम को और अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं सेल्फ अवेयरनेस के लिए, ये स्वयं से पूछने के बाद आप खुद को एनालिसिस कर पाते हैं और अपने एबिलिटीज को पहचान सकते हैं जिससे कि आप काम अच्छा कर सकते हैं और अपने वीकनेस को पहचान के उसे दूर कर सकते हैं।
आइए अब हम जानते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस के और कौन कौन से तरीके हैं जो कि हम अपने लाइफ में उसे यूज करके खुद को सेल्फ अवेयर कर सकते हैं, स्वजागरूक कर सकते हैं। तो पहला है ट्राई सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ट्राई सेल्फ एक्सप्लोरेशन का अर्थ है आत्मवेशन, अन्वेषण, अर्थात कि जैसा कि मैंने पिछले सभी प्रश्नों को लिखा था, वो सभी प्रश्न ट्राई सेल्फ एक्सप्लोरेशन के अंतर्गत ही आते हैं कि आप खुद को एनालिसिस कर सके। इससे व्यक्ति की अपनी क्षमताओं का ज्ञान हो पाता है। दूसरा है वर्क विथ करियर कोच। करियर कोच के साथ काम करके, अर्थात हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक आइडियल पर्सन होता है जिसे वो फॉलो करता है। तो आप अपने करियर कोच के साथ अगर कार्य करते हैं तो आप करियर कोच आपके एबिलिटीज को पहचान के आपको उसमें और सुधार करने के लिए कहते हैं, या आपके एबिलिटीज को पहचान के आपको उसके अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए करियर कोच के साथ कार्य करने से आप खुद को स्वजागरूक महसूस करा सकते हैं। नेक्स्ट है एनालिसिस एट द एंड ऑफ ईच डे। प्रत्येक दिन के अंत में विश्लेषण करके जैसा कि यह बिंदु है प्रत्येक दिन के अंत में विश्लेषण करके, अर्थात कि आप दिन भर में जितने भी कार्य करते हैं उसको दिन के अंत में एक बार जरूर विश्लेषित करें, उनमें आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, आपसे कौन कौन सी गलतियां हुई या आपके कौन कौन से मजबूत पहलू है, उनको पहचान करके उनमें निरंतर सुधार करने की आवश्यकता है। तो जब आप एनालिसिस करते हैं प्रत्येक दिन के अंत में तो आपको अपने गलतियों का एहसास होता है और आप अगले दिन उसे सुधार करके अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट है आस्किंग अदर फॉर फीडबैक। दूसरों से प्रतिक्रिया लेकर इस बिंदु के अंतर्गत हम समझेंगे कि आप किसी व्यक्ति को कैसे देखते हैं या कोई व्यक्ति आपके बारे में क्या विचार रखता है वो फीडबैक से ही पता चलता है। तो जब आप किसी से फीडबैक लेते हैं अपने काम के लिए या स्वयं के लिए, तो वो आप में अच्छाई बुराई या आपके मजबूत पक्ष या कमजोर पक्ष को सामने रखता है, और आपके फीडबैक के कारण से आप अपने कमजोर पक्ष को दूर करके उसे मजबूत बनाएंगे और अपने कार्यस्थल पर अपनी प्रगति को और आगे लेकर के जाएंगे। तो इसलिए इन चार बिंदुओं को भी हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है ताकि आप खुद को हमेशा स्वजागरूक करते रहें और जॉब प्लेस पे अपने आप को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाएं। तो सेल्फ अवेयरनेस चैप्टर में आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक यू।